बेटी को आपने कनाडा भेजा, हाँ बेटे को अपने पास रखा, कनाडा भेजने में खर्चा होता है, खर्चा 26 लाख हुआ बेटी पे, 26 लाख हाँ। रुपए एक रोज में हमने 8 बकरी बेची, 4 लाख की, 1.5 लाख के घर पे बच्चे बेच दिए, 5.5 लाख घर पे बट के, जब बेटी का फीस भरना था 5.5 लाख बकरियों में ले लिया। तो जी क्या खर्चा आया था बनाने में? 1 लाख रुपया सर मात्र। नमस्कार भाइयों, आज आपको एक ऐसा फार्म दिखा दूंगा जो कम खर्च में बना हुआ है, घर के बैकयार्ड में बना हुआ है और कामयाब है। कामयाब इसलिए कहूँगा क्योंकि अंकल जी यहाँ पे गांव में अपने घर रह के एक बहुत अच्छा पैसा यहाँ कमा रहे हैं, अपनी मंडी भी लगाते हैं बकरियों की हर संडे को, और करीबन 100 से ऊपर सौदे ये हर संडे अपने मंडी से करते हैं। भाइयों अभी इनके पास 100 से ऊपर जानवर हैं यहाँ पे, और बैकयार्ड गोट फार्मिंग का एक जिस ज़्यादा उदाहरण है ये। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फटाफट आपको अंकल जी से मिलवाऊँगा, इनके फार्म का, इनके घर का टूर कराऊँगा और जानेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। आज आपके घर पे आए हैं, मैंने सुना है घर पे ही आप बकरी पालन करते हो और आप मंडी भी लगाते हो। हाँ जी सर, खेत में मंडी लगाते हैं जी, रोड पे हमारी जमीन है 10-12 एकड़, अच्छा, वहाँ पे मंडी लगाते हैं सर। जी जी, आपका फार्म कहाँ है अभी? हमारा घर के पीछे है फार्म। मतलब दोस्तों ये इनका घर है सरदार साहब का, ठीक है, ये फ्रंट है और इसी के बैक में इनका गोट फार्म है। और जी मशीनें कैसे रखी हैं? तगड़ी हैं। 4 मशीन है हमारे पास सर। ये कंबाइन है? हाँ जी सर, कंबाइन 4 मशीन, 4 कंबाइन, 4 कंबाइन है सर। तगड़ा हिसाब किताब है जी पूरा। हाँ जी, बकरी का काम भी बढ़िया है, ये मशीनों का बहुत पुराना काम है। पुराना काम है मतलब ये है। अभी नई गाड़ी ली है। अच्छा, गाड़ी भी ले ली है। चलो जी, बहुत तरक्की। बसा का भी काम है हमारा सर। और ये देखो जी, ये कंबाइन का आगे वाला पार्ट है जो जो काटता है। और ये देखो भैंस भी है यहाँ पे इनके पास अपनी। तो जी कितना टाइम हो गया इन सब चीज़ों में आए हुए? 99 का काम है कंबाइनों का तो। अच्छा हाँ भाई, ये इनके फार्म का बोर्ड है, ठीक है, नंबर चाहिए हो तो ये रहा नंबर, दोनों नंबर इनके हैं यहाँ पे। तो सर छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दो पहले तो। हाँ जी सर, हमारा नाम है सुखजीत सिंह जी, गांव सोहली है, नाभा तहसील है, डिस्ट्रिक्ट पटियाला है जी। तो जी टोटल कितना टाइम हो गया गोट करते हुए? 20 साल हो गए सर। 20 साल गोट में हो गए आपको? गोट में 20 साल। भाइयों बैकयार्ड में है और बैकयार्ड में बहुत सुंदर इन्होंने सिस्टम दे रखा है। आप देखो पूरे तो दूर दूर तक खेत दिखेंगे आपको, काफी मन लग रहा है यहाँ पे। और जैसे बारिश थोड़ी देर पहले पड़ी थी तो यहाँ पे मौसम भी साफ सुथरा है। तो जी कितनी बकरी हैं अपने पास ये? हमारे पास 60-70 बकरी है। तो इसके अंदर अभी बीटल है और कौन कौन सी है? सर बीटले है सर, सिर्फ बीटल है यहाँ पे। तो जी सरदार साहब मैं देख रहा हूँ आपका जो फार्म है आपने इतना मतलब हैवी करके नहीं बनाया, बस घर के पीछे ही जैसे 20 फुट की जगह लेके पूरा लंबा लंबा खींच दिया। सारे 200 फुट लंबा है। 200 और 20 फुट ऐसे होगा? हाँ, 20 फुट चढ़ाई है इसकी। हाँ हाँ। 200 फुट लंबाई है। तो जी क्या खर्चा आया था बनाने में? 1 लाख रुपया सर मात्र। 1 लाख रुपए में सेट तैयार? हाँ सेट तैयार सर। ओपन भी है दोस्तों और कवर्ड भी है। देखो एक बहुत कामयाब मॉडल आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। घर के पीछे कुछ नहीं करना आपने, मात्र 1 लाख रुपए लगाए थे सरदार साहब ने। और देखो वहाँ गेट है, वहाँ से बकरी उधर उधर कम से कम 100-150 एनिमल रह सकता है। 100-150 एनिमल तो इतना ही करना होता है, 100-150 का ही काम होना चाहिए है ना। वैसे अभी जमीन तो हमारी यहाँ 30 एकड़ है सर। जमीन हमारी जमीन है। अच्छा अच्छा, लेकिन बकरियां अपनी ये साइड में शुरू करी? साइड में शुरू किया। थोड़ा साइड के अंदर चलेंगे, आपके ओपन सेंड भी है और कवर्ड वाला सेट भी है, दोनों चल के दिखाओ हमें कैसे कैसे सिस्टम है। भाइयों देखो सस्ता कैसे बनाए, जाली है, लोहा लगा हुआ है, एंगल लगी हुई है, ठीक है, ला दियो। और इसके अंदर क्या है कि वेल्डर को बुला के एक दिन में इन्होंने खड़ा कर दिया होगा। और यहाँ नीचे कच्चा है और जानवर रेस्ट कर रहे हैं। फीडर बनाए लोहे के हैं, बाहर जैसे ठंडी पड़ती है बाहर में रख देते हैं उठा के, इसमें भी गुआरा डालते हैं बाहर में, कहीं धूप में रखना पड़े। भाइयों लोहे की नहीं है ये, लोहे का सिर्फ अपना जो फ्रेम है लोहे का है, बाकी जो ये है जस्ता है, जस्ते में जंग नहीं पकड़ता। क्यों जी? हाँ जी सर ये जस्ता है। और ये अभी रेस्ट कर रहे हैं, बाहर घूमने जाते हैं क्या? हाँ बाहर अभी घुमा के आए सर। तो जी बरसातों में तो मना करते हैं बाहर घुमाना नहीं चाहिए। कोई परेशानी वाली बात नहीं भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है जी। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, हाँ ये लोग रेस्ट कर रहे हैं आराम से, बाहर घूम कर आए हैं, बच्चे बड़े सब एक साथ हैं। देखो यहाँ एक असील भी है, पंजाब में असील का बहुत शौक है, देखो कितने प्यार से। तो जी ये बताओ ये बकरियाँ जो हैं बीटल की, हाँ ये कहाँ से लाए आप? ये हमारी घर की होम ब्रीड है सर। नहीं होम ब्रीड तो हैं, शुरुआत तो कहीं की होगी? पहले शुरुआत की थी, 1-2 बकरी ली थी सर हमने, 1-2 शौक से बकरी ली थी।
एक दो बकरी ली थी हाँ, उससे ये परिवार हुआ है? उसे परिवार हुआ। तो आपने बाहर से ली नहीं फिर ये? ना हमने ली नहीं भाई। अच्छा वहीं से बनी? अभी तो ले लेते हैं हम मंडी लगाते हैं, अभी तो ले लेते हैं 20-20, 30-30 बकरी खरीद लेते हैं, कोई परेशानी वाली बेच भी देते हैं 30-30, 40-40 बकरी। भाइयों आपको जुगाड़ दिखाता हूँ मैं, देखो ये इनका घर है, घर की दीवार है बैक की, और यहीं पे इन्होंने हल्का सा कटआउट खोल लिया है और यहाँ पे स्टॉक यार्ड बना दिया है। देख रहे हो आप, यहाँ स्टॉक करते हैं इसे सारे चारे को। ये हाँ ये तो भूसा डालने के लिए है ना, है तो घर का ये बैकयार्ड ना। हाँ ये गेहूं का भी भूसा डाला है भैंस के लिए है। नहीं तो गुबार का भूसा सा भी है। ये 10-11 खान बना हुआ है मकान। सेट दिखाओ जी, सेट दिखाओ, देखो सब जी घर का सामान लगा रखा है और सस्ते में 1,00,000 रुपये बताओ, इतना बढ़िया सेट बना दिया, कमाल है जी। कब बनवाया था जी 1,00,000 का ये आपने, कौन से बनवाया था ये? तो अभी टाइम हो गया कम से कम, इसको जब ही बनाया था 20 साल ही हो गए, 20 साल पहले था बना जी। आज तो फिर भी इसकी कीमत में मानता हूँ, जब आपने तब 1,00,000 का बनवाया था तो आज इसकी कीमत आराम से 2-2.5 लाख रुपये। 2-2.5 लाख दोस्तों, देखो बकरियों को भी कंफर्ट दिया है, यहाँ मच्छरदानी लगा रखी है इन्होंने, मच्छर देखो बाहर कितने सारे हैं, मतलब बकरियों को भी मच्छर लगते हैं, तो इन्होंने पूरा इंतजाम करा है, मतलब प्यार बहुत है बकरियों से। तो जी ये बताओ बीटल की खासियत क्या है? वैसे तो आपकी पंजाब की ब्रीड है ये, क्या खासियत आपको है? देखो ना ये जैसे बीटल प्योर के बच्चे हैं, देखो रोमो नोज होगा, कान लंबे होंगे, क्वालिटी पे 10-10, 15-15 रोज के बच्चे हैं। अच्छा तो मतलब आपने ढूंढ के फिर सेलेक्टिव ब्रीडिंग करा के ये बनाए हैं जी? हम 3-4 लीटर से कम दूध वाली बकरी नहीं, कम से कम बकरी 3-4 लीटर से कम नहीं रखते। अच्छा दूध होगा तभी बच्चे ग्रोथ करेंगे। खिलाते क्या हो इन्हें? हम तो मक्के का दाना देते हैं, गेहूं देते हैं, सभी दाना देते हैं। अच्छा और बाहर चरने जाती हैं? बाहर भी चराने, ग्रेजिंग कराते हैं जी। तो जी मुझे ये बताओ, ये आपने जैसे बना रखा है पीछे की तरफ, आपने शुरुआत करा 20 साल पहले, तो आपको देखते देखते और लोगों ने भी शुरू किया होगा। हाँ बहुत करा हमारे यहाँ नज़दीक में जी जी। हम ट्रेनिंग भी लगाते हैं ना बकरी फार्म की। ट्रेनिंग? हाँ। ट्रेनिंग में क्या बताते हो जी? जो बकरी का रख रखा, जैसे ट्रीटमेंट बकरी का कैसे होने। और जी असील का क्या शौक है? ये तो शौक से रखे हुए हैं। अच्छा ये मतलब चिचड़ी विचड़ी ना हो उनको, है ना? तो ये बताओ मेरे को, जैसे कम बजट में आप कर रहे हो, मंथली कितना खर्चा आ जाता होगा, मतलब महीने का दाने का और चढ़ाई का कराते हैं आप, उसमें बंदा रखा होगा? खर्चा क्या तो दाने का आता है, और तो बंदा है 1-1.5 लाख में बंदा पड़ जाता है साल भर के। अच्छा अच्छा जो बकरी का खाना हो जाता है 6-7 हज़ार दाने का होता है महीने भर का। 6-7 हज़ार? हाँ वो दूध भी देती है ना 20-25 लीटर दूध बराबर कर लेते हो उससे? हाँ। दाने को तो बराबर कर लेते होंगे, बचाते हैं। अच्छा बचा लेते हो दूध? बचा लेते हैं दूध। तो जी दूध कहाँ बेच रहे हो उसका? यहीं गाँव में बेचते हैं। मतलब बकरी का अलग करके बिकता है? अलग करके बिकता है जी। हाँ 60-70 रुपये लीटर बकरी का दूध बिकता है फैट पे। फैट पे? हाँ। देते मतलब कौन लेके जाता है? किसान लेके जाते हैं? कौन लेके जाता है? किसान भी ले जाते हैं, जैसे जिसी का सेल कम हो जाता है वो फ्री में देते हैं सभी को, जो जिसी को सेल बीमारी आती है ना, सेल घट जाते हैं उसको तो फ्री देते हैं। आप फ्री देते हो? हाँ किसी से कोई पैसा नहीं लेते। मैं जान बचा भाई, तेरी जान बहुत जरूरी है ना, बाकी दूध तो दोबारा आ जाएगा। तो आता ही रहता है, तो भगवान देता है ना जी, 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 बंदा जी। नहीं मिलेगा है, सही बात है जी। वो तो भगवान देता है ना देता है। और एक आदमी की जान से ऊपर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है जी 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 जी। ये तो आपके अपने पेट है, आपका शौक है ये जी। वैसे जी इससे पहले क्या करते थे बकरी पालन? हमारा स्कूल बसों का काम था। अच्छा हमारे पास 8 गाड़ी थी। अच्छा अभी गाड़ी है हमारे पास 4 गाड़ी है। 4 गाड़ी है? हाँ। तो ऑलराउंडर बिजनेस है ये? हाँ वो तो वो भी चल रहा है, सोडा कोई भी काम नहीं, वो भी स्कूल गाड़ी भी चल रहा है, कंबाइन का काम भी चल रहा है, बेटी हमारी कनाडा है। अरे वाह, कनाडा में पढ़ना? हाँ, पढ़ाई के लिए? वो भी 3 साल हो गए उनको, 3.5 साल बेटी को गए को। अच्छा हाँ मतलब मौज में है सब कुछ, कोई टेंशन? भगवान की मौज में है। चलो बाहर चल के थोड़ी और बात करेंगे। बेटी को आपने कनाडा भेजा? हाँ, बेटे को अपने पास रखा। कनाडा भेजने में खर्चा होता है? खर्चा 26 लाख हुआ बेटी पे। 26 लाख रुपए? आप कितना इन बकरियों की बात करूंगा, देखो मशीनों का तो धंधा बहुत अच्छा। रोज में हमने 8 बकरी बेची 4 लाख की, 1.5 लाख के घर पे बच्चे बेच दिए, 5.5 लाख घर पे बट के, जब बेटी का फीस भरना था 5.5 लाख बकरियों में ले लिया। मतलब बकरी पालन से ही कनाडा गई है दीदी? हाँ। वाह भाई वाह। एक रोज में हमने घर पे
नहीं तो कहीं जुगाड़ करना पड़ता, आड़ती से लेने पड़ते हैं किसी दोस्त मित्र से, रिश्तेदार से। सभी लाख को छोटी रकम नहीं ना। नहीं 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 बिल्कुल जी। हमने एक दिन से 8 बकरी बेची 50-50 हज़ार में, 4 लाख की बकरी बेची, 1.5 लाख के बच्चे बेच दिए। तो हम ये कह सकते हैं बकरियों ने आपकी बेटी को, हमारी बहन को कनाडा पढ़ने के लिए भेजा। हाँ बिल्कुल सही बात है ना जी। हम झूठ का कोई भी काम नहीं करते भाई, हम ईमानदारी से सभी को जो भी हमारे साथ जुड़ता है, कोई फार्म नया करता है, सभी को झूठ वाली बात किसी से नहीं करते, ईमानदारी से बात करते हैं जी। जी तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आप इतने साल से कर रहे हो, 20 साल का तजुर्बा हो गया, हालांकि ये ब्रीड आपकी लोकल ब्रीड है, ठीक है ना सर? बीमारी तो देखो आई होगी, वही तो आती रहती है। क्या ये बीमारी कब परेशानी हुई ये थोड़ी बताओ। पता कि अच्छा अच्छा नहीं परोसेंगे बीमारी तो जब ये तो जैसे पीपीआर एफएमडीटी वेल आती है, बीमारी आती हो नहीं, देख रहे जैसे सफाई है पूरी अच्छी तरह करोगे बीमारी नहीं आती जी। बीमारी वाली कोई परेशानी, बीमारी तब आएगी जब फार्म अच्छी तरह साफ नहीं होगा। बीमारी भी तब आती है जैसे पीपीआर लगाओगे तब बीमारी नहीं आएगी भाई। बीमारी वाली भी कोई बकरी बीटल में तो बहुत कम बीमारी आती है। अच्छा से मेंटेन कौन करता है, साफ सफाई कौन करता है? एक नौकर है, एक साथ में हम भी लगते हैं। लगते हो? हाँ। कोई शर्म नहीं काम? कोई शर्म काम की कोई शर्म नहीं। हम ग्रेजिंग भी आप कराने जाते हैं। कंबाइन चला लेते हो? हाँ कंबाइन चला लेते। सारा मतलब खुद कर लेते? काम खुद करते हैं सब। सुबह हम झाड़ू लगाते हैं बकरी का, सब मींगनी मूंगनी आप उठाते हैं। तो क्या बच जाता अंकल साल में? सर बताना। 10-12 लाख बचता है। ये ईमानदारी से है, कोई झूठ वाली से नहीं। नहीं नहीं बचता है या फिर इतना बचता है हमारे तो 10-12 लाख बच जाते हैं घर रह के, बैकयार्ड में। कुछ ज्यादा एरिया भी नहीं। आप ही देख लो ना, आपके पास 50 बकरी है, 100 बच्चा हो गया एक साथ में। 50 बकरी जब सूती है ना, 100 बच्चा हो गया, 15 महीने में 2 बारी ब्याह जाती है बकरी। ठीक है, जे 100 बच्चा मान लो 15,000 को साल भर बच्चा रोक लिया, 15,000 को बेचेंगे 15 लाख का हो गया। अच्छा 10-12 लाख कैसे नहीं बचेगा? सारी उंगली घी में है मतलब। हैं ऐसे मजा आ रहा काम में? मजा आना जरूरी है देखो। पूरा भाई पूरा जम के मजा आ रहा। कंबाइन वाले में तो आता होगा देखो। वो तो आता ही आता है। इसमें भी मजा आ रहा है भाई। मेरे को तो इतना काम बढ़िया लगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। काम भी करेगा ना, ये काम करेगा टाइम देगा, ये तो है नहीं, ये टाइम नहीं देगा फिर तो कुछ नहीं बनेगा भाई। अंकल को मजा इसलिए आ रहा है, अंकल खुद अपनी मंडी लगवाते हैं, बहुत सारे फार्मर इनके माध्यम से अपने माल बेचते हैं मंडी में। कितने भीड़ आती है जी मंडी में आपकी? मंडी में बहुत ज्यादा, कम से कम 100-150 सौदा हर संडे को होता है। होता है? हाँ। वैसे मंडी की वीडियो बननी चाहिए बहुत अच्छी। अभी साल बार हुआ लगती को, आज तक मंडी में हम लोग गए नहीं है। मेरा बहुत मन है मंडी में जाने का। आना हमारी मंडी में। दिक्कत है ना, आपको तो हिंदी आती है, बहुत सारे पंजाब में लोगों ना हिंदी आती नहीं है, इसलिए ना हम थोड़ा सा हिचकते हैं। और अच्छी मंडी पंजाब में ही है सारी? सब अच्छी है ना मंडी जी, तो। जी, जी, जी। हर संडे को मंडी लगती है जी हमारी। तो अंकल संतुष्ट हो आप काम से? बहुत संतुष्ट है हम। ऐसा ना हो कि आपकी संतुष्टि देख के कोई और बंदा शुरू करे और वो परेशान हमारे हमारा नंबर चलेगा यूट्यूब पे, जैसी चाहे रात को भी फोन करे तब भी उठाते हैं हम जी। कोई किसी को जो नया फार्म करेगा उसकी 100% सपोर्ट करेंगे हम भाई। अंकल जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी, अपने कम खर्च में बना हुआ सेट दिखाया हमें, और अपने कम खर्च में जो बकरी पालन कर रहे हैं ग्रेजिंग के द्वारा, और अपने घर रह के जो ये मुनाफा कमा रहे हैं, हर चीज़ आपको बताई। लेकिन इनको जैसे 20 साल हो गया है, हमेशा से स्थिति सेम नहीं रहती, शुरुआत में मेहनत की होगी। हाँ, उन्होंने मेहनत की शुरुआत में, जब अपने यहाँ मोर्टलिटी होती है, 5% मोर्टलिटी हर साल होती है बकरी पालन में, तो वो दुख भी झेलना पड़ता है। काम ब्रीडिंग पे करना चाहिए जी। जी जो काम ब्रीडिंग पे करेगा उसको पैसा ज्यादा, मुनाफा ज्यादा होगा। जो बंदा कोई भी है काम करे ब्रीडिंग पे करे जी, ये तो है नहीं मीट पर से करेगा फिर पैसा कम होता है। ब्रीडिंग पे करेगा, हम बच्चा बेचते हैं 15,000 से 50,000 तक बच्चा बेचते हैं, बेच लेते हैं। हाँ। तो देखो यहाँ पंजाब में चटक है, बीटल की ब्रीड की बहुत वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे आराम से सौदे हो जाते हैं। इनकी अपनी मंडी भी है, मार्केटिंग इन्हें दिक्कत है ही नहीं किसी तरीके की, और यहाँ पे पूरा परिवार एकजुट होकर काम कर रहा है। अगर आप किसी भाई को गोट फार्मिंग करनी है तो इस तरीके से आप कम खर्च में सेट बना सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। जल्दी मिलेंगे वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद।